अब देखिए जो हेलो एल्केन और जो हेलो एलिन है इसका हम क्लासिफिकेशन यानी कि इसका हम वर्गीकरण कैसे करते हैं। तो जो वर्गीकरण होता है क्लासिफिकेशन वो कई प्रकार से होता है। जैसे हम कहें कि जो नंबर ऑफ हेलोजन एटम है वो कितने हैं, नंबर ऑफ एल्किल समूह कितने हैं, तो अब इस प्रकार से हम वर्गीकरण करेंगे। तो जो वर्गीकरण होता है वो निम्न प्रकार होता है। नंबर एक, हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम। तो हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर ये होते हैं मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन और पॉली हेलो एल्केन। जो मोनो हेलो एल्केन होता है उसमें कार्बन के साथ सिर्फ एक ही हैलोजन एटम जुड़ा होता है, जिसे हम बोलेंगे मोनो। मोनो में होता है एक, यानी कि उसमें सिर्फ एक ही हैलोजन एटम जुड़ा होगा तो इसे हम बोलेंगे मोनो हैलोजन यौगिक। दूसरा होता है डाई हैलोजन कंपाउंड, यानी कि ऐसा हैलोजन कंपाउंड जिसमें कार्बन के साथ एक साथ या अलग अलग दो हैलोजन एटम जुड़े हों तो उसे हम बोलेंगे डाई हैलोजन यानी कि यौगिक। और तीसरा होता है ट्राई हैलोजन यौगिक, यानी कि किसी भी कार्बन के साथ यानी कि जैसे मैथेन में CH4 में यदि हम तीन हैलोजन एटम जोड़ते हैं और एक हाइड्रोजन बना रहे तो इसको हम बोलेंगे ट्राई हैलोजन यौगिक। इसी प्रकार होता है पॉली हैलोजन यौगिक, यानी पॉली मतलब तीन से अधिक। जैसे हम कहें कि मैथेन जो होता है CH4 होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है CH4। अब इनमें जो चार हाइड्रोजन परमाणु है उनको हम चारों को अलग कर रहे हैं यानी कि मानस के चार हाइड्रोजन, और जब ये अलग होंगे तो इसकी जगह पर चार हैलोजन परमाणु जुड़ेंगे यानी कि चार एक्स। जो एक्स होता है वो आपका हैलोजन परमाणु को रिप्रेजेंट करता है, प्रदर्शित करता है। तो ये क्या बन जाएगा सी यानी कि सब में जो जैसे हम कहें कि एक्स लगा दिया यहाँ पर, यहाँ पर एक्स, यहाँ पर एक्स और इस जगह पर एक्स, तो इसको बोलेंगे पॉली हैलोजन यौगिक। यानी कि मोनो हैलोजन कंपाउंड क्या होते हैं कि वे यौगिक जिनमें हैलोजन परमाणु सिर्फ एक होता है उसे बोलेंगे मोनो हैलोजन यौगिक। डाई हैलोजन यौगिक में दो जोड़े होते हैं, ट्राई में तीन होते हैं, इसी प्रकार पॉली में चार होते हैं। ठीक है, तो पहला है मोनो हैलोजन यौगिक। मोनो हैलोजन यौगिक इसकी परिभाषा क्या बनेगी कि वे यौगिक जिनमें किसी भी कार्बन पर सिर्फ एक हैलोजन परमाणु जुड़ा होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कहें ये आपका रहा CH4 यानी कि ये आपका रहा CH4 यानी कि कार्बन के साथ चार हाइड्रोजन एकल बंध के द्वारा जुड़े हुए हैं। तो ये आपका एलिफेटिक 17 हाइड्रोकार्बन है। अब इसकी जगह पर हम ये H को हटा दें और यहां पर हम Cl जोड़ दें यानी कि ये आपका रहा क्लोरीन, तो ये बन गया आपका मोनो हेलो एल्केन यानी क्या होगा मोनो क्लोरो मैथेन। क्या होगा इसका नाम यानी कि मोनो क्लोरो मैथेन। इसी प्रकार जैसे हम कहेंगे डाई क्लोरो मैथेन, डाई में क्या होगा कि एक हाइड्रोजन परमाणु और हट जाएगा, एक हाइड्रोजन परमाणु हट जाएगा तो यहां पर एक Cl यानी क्लोरीन एटम जुड़ जाएगा। जैसे हम कहें कि आपका ये रहा मैथेन CH4 यानी कि CH4 जो कार्बन जो हाइड्रोजन है ये एकल बंध के द्वारा जुड़े हुए हैं। अब यहां पर मैंने दो हाइड्रोजन परमाणु को हटा दिया और उनकी जगह पर मैंने दो क्लोरीन परमाणु यानी कि हमने दो Cl जोड़ दिए तो इसको हम बोलेंगे डाई हेलो एल्केन, जिसका नाम क्या होगा डाई क्लोरो मैथेन, क्योंकि कार्बन तो एक ही है सभी एकल बंध द्वारा जुड़े हुए हैं, एल्केन है तो इसको बोलेंगे हम डाई क्लोरो मैथेन। तीसरा हो जाएगा आपका ट्राई क्लोरो मैथेन यानी कि आपका ये कार्बन है और इसकी जगह पर हमने तीन क्लोरीन परमाणु जोड़ दिए, तीन क्लोरीन परमाणु जोड़ दिए तो ये आपका बन गया ट्राई क्लोरो मैथेन। क्या बन गया ट्राई क्लोरो मैथेन, ये आपका ट्राई हैलो एल्केन है। क्या है ट्राई हैलो एल्केन, इसका मतलब क्या है कि
कार्बन के साथ तीन हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होने आवश्यक हैं, ठीक है। चौथा आपका होता है पॉली। अब देखिए पॉली मतलब होता है तीन से अधिक यार, तो यहाँ पर क्या है कार्बन होते हैं उसकी वजह से चार ही होती है, तो हम पॉली में क्या करेंगे जो एक हाइड्रोजन बचा हुआ है उसको भी हम रिप्लेस करेंगे हाइड्रोजन परमाणु के द्वारा। तो क्या होगा कि यहाँ पर ये कार्बन है और इसके जो हाइड्रोजन थे चार हाइड्रोजन थे, तो चारों हाइड्रोजन को हम चार हाइड्रोजन परमाणु के द्वारा हम रिप्लेस करेंगे, तो क्या बनेगा ये अब क्या बन जाएगा टेट्रा हैलो एल्केन। क्या बनेगा टेट्रा हैलो एल्केन, यानी कि आपका हो गया पॉली हैलो एल्केन। तो देखा आपने ये आपका मोनो हैलो एल्केन, ये रहा आपका डाई हैलो एल्केन, ये रहा आपका ट्राई हैलो एल्केन और ये रहा आपका टेट्रा हैलो एल्केन, यानी कि मोनो हैलो एल्केन में कार्बन के साथ सिर्फ एक ही हैलोजन परमाणु जुड़ा होता है, डाई हैलो एल्केन में कार्बन के साथ दो हैलोजन एटम जुड़े होते हैं, ट्राई हैलो एल्केन में कार्बन के साथ तीन हैलोजन एटम का जुड़ना आवश्यक है, इसी प्रकार टेट्रा हैलो एल्केन में कार्बन के साथ चार हैलोजन एटम का जुड़ना आवश्यक है। ये तो रहे आपके हैलो एल्केन के प्रकार जो आपके रहे हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। अब बात करते हैं हैलो एरिन की। तो हैलो एरिन में क्या होगा कि जो एरिन होता है वो बेंजीन होता है, जैसे हम ये कहें कि आपका ये रहा बेंजीन, ये आपका रहा बेंजीन, ठीक है। तो यदि इसके नाभिक पर हम एक क्लोरीन परमाणु जोड़ दें तो ये हो गया मोनो हैलो एरिन। क्या हुआ मोनो हैलो एरिन, क्योंकि ये एरिन बेंजीन को रिप्रेजेंट कर रहा है और बेंजीन के नाभिक पर हमने एक हैलोजन एटम को जोड़ा है, तो ये भी आपका हुआ मोनो हैलो एरिन। ये थे आपके मोनो हैलो एल्केन और ये रहेंगे आपके मोनो हैलो एरिन। दूसरा हो जाएगा डाई हैलो एरिन। डाई हैलो एरिन में क्या होगा कि बेंजीन बलय के किन्हीं भी दो स्थान पर मुझे दो हैलोजन एटम को जोड़ना है। ये रहा आपका बेंजीन यानी कि C6H6 और जो कार्बन होंगे वो एकांतर क्रम में सिंगल और डबल द्वारा जुड़े होते हैं, तो यहाँ पर ये रहा लव है बेंजीन, यहाँ पर एक Cl यहाँ जोड़ दिया और एक Cl मैंने यहाँ जोड़ दिया। तो ये एग्जांपल हुआ डाई हैलो एरिन का, किसका हुआ डाई हैलो एरिन, ठीक है। इसी प्रकार हम कहेंगे कि बेंजीन बलय पर यदि हम तीन हैलोजन एटम को जोड़ दें, ये रहा क्लोरीन, दूसरा ये क्लोरीन रहा और ये आपका ये क्लोरीन रहा, तो इसको बोलेंगे हम ट्राई हैलो एरिन, ठीक है। अब इसका नामकरण कैसे करते हैं, ये रहा आपका क्लोरोबेंजीन, क्या नाम हुआ इसका, इसका नाम हुआ क्लोरोबेंजीन, इसका नाम क्या हुआ डाई क्लोरोबेंजीन, क्या नाम हुआ इसका डाई क्लोरो बेंजीन। और यहां पर तीन हैलोजन परमाणु जुड़े हुए हैं तो इसको हम बोलेंगे ट्राई क्लोरो बेंजीन, क्या बोलेंगे बच्चों ट्राई क्लोरो बेंजीन। तो देखा आपने कितना सिंपल है, कितना सिंपल है, आप बिल्कुल आराम से कर सकते हैं नामकरण, बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। मैंने बताया जो क्लासिफिकेशन होता है वर्गीकरण वो कई प्रकार से होता है, संकरण के आधार पर कर सकते हैं और एल्किल समूह की संख्या के आधार पर कर सकते हैं और हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर बताया आपको हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर ये मोनो हैलो एल्केन होते हैं, डाई हैलो एल्केन होते हैं, ट्राई हैलो एल्केन होते हैं और टेट्रा हैलो एल्केन होते हैं। इसी प्रकार मोनो हैलो एरिन हो जाएगा, डाई हैलो एरिन हो जाएगा और ये ट्राई हैलो एरिन हो जाएगा, ठीक है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं संकल्प के आधार पर।